अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा वो हमने पढ़ा कैपेसिटर। कैपेसिटर हमने क्या पढ़ा था जी? डिवाइस टू स्टोर चार्ज, डिवाइस टू स्टोर चार्ज। एक ऐसा डिवाइस है जो इसको स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है। उसमें हमने किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल प्लेट्स। इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल प्लेट्स मतलब क्या होता है? इनके दरमियान क्या होती है? हैविंग वैक्यूम और एयर बिटवीन देम और डायलैक्ट्रिक इंसुलेटर बिटवीन। उनके दरमियान क्या होता है? इंसुलेटर भी होता है, डायलैक्ट्रिक या इंसुलेटर भी हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद इसकी हमने ये शक्ल पढ़ी, पॉजिटिव प्लेट्स इस प्लेट की वजह से चार प्लस क्यू, इस पर इंड्यूस होगा चार माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है जी। ये सारा आपका उसके बाद हमने पढ़ा था जी कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज जीरो, व्हेन चार्जेस ऑन प्लेट्स इज जीरो। व्हेन चार्जेस ऑन प्लेट्स इज क्यू देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज वी। पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के दरमियान क्या होगा? वी होगा। उसके लिए एक रिलेशन आ गया था, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, प्रोपोर्शनल टू इक्वल और साथ कैपेसिटेंस का साइन आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी। ठीक है जी। सी आपका क्या है? सी इज कैपेसिटेंस। ठीक है। कैपेसिटेंस क्या है? एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। सारा हम पढ़ चुके हैं। इसकी इसका फॉर्मूला क्या बनता है? क्यू बाय वी। वन फैरड किसके बराबर होगा? वन कूलम ओवर वन वोल्ट। इसका मतलब एक कूलम चार्ज अप्लाई करें और प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन जाए, एक वोल्ट हो जाए, तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? वन फैरड। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि दिस क्यू इज चार्ज ऑन प्लेट्स, दिस वी इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, दिस क्यू इज चार्ज ऑन प्लेट्स and this V is potential difference between plates. ये Q क्या है? Charge है किस पे? Plates पे। और ये V क्या चीज़ है? Potential difference है किसके दरमियान? Plates के दरमियान। यानी ये circuit कैसे कोई ताल्लुक नहीं है, circuit कैसे कोई ताल्लुक नहीं। अब आ गए जी हमारे पास capacitance of पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया जी। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वही चीज हम लेते हैं दोबारा। कैपेसिटर पैरेलल प्लेट्स की फॉर्म में, प्लस क्यू इधर क्या हो जाएगा? माइनस क्यू। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है? वी। ठीक है जी। सपोज कैपेसिटर
is connected with a voltage source having voltage V. अच्छा कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे इससे वोल्टेज सोर्स से जिसकी वोल्टेज आपके पास क्या होगी V वोल्टेज होगी ठीक है जी। अच्छा सोर्स वोल्टेज से क्या होगा आपके पास चार्जेस फ्लो करेंगे चार्ज ऑन प्लेट और पॉजिटिव प्लेट क्या हो जाएगी प्लस Q एंड चार्ज ऑन नेगेटिव प्लेट इज माइनस क्यू पॉजिटिव प्लेट या प्लस क्यू में चार्ज या नेगेटिव प्लेट आपके पास क्या है माइनस क्यू है ठीक है जी। ड्यू टू दिस चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू कहता ये जो चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है क्यू है ठीक है ड्यू टू दिस चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू potential difference produces between plates is V. potential difference जो plates के दरमियान पैदा होगा वो क्या होगा V पैदा होगा ठीक है potential difference plates के दरमियान क्या होगा V पैदा होगा आपके पास। अब कह सकते हैं if potential difference for plate having charge plus q ठीक है the potential difference for positive plate is v1 and potential difference for negative plate is v2 कहता है अगर पॉजिटिव प्लेट जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस हम वी वन लें और पॉजिटिव प्लेट जो प्लेट है आपकी नेगेटिव प्लेट है अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस हम वी टू लें सपोज कर लेते हैं कंसिडर कर लेते हैं सर नाम ही लेना सिंपल देना है ठीक है देन पोटेंशियल डिफरेंस वी आपके पास किसके बराबर हो जाएगा then potential difference V ये आपका पास potential V किसके बराबर हो गया जी delta V is equal to V2 minus V1 ठीक है potential difference कितना हो जाएगा V2 minus V1 पहले आपने एक relation पढ़ा था as we know that electric field is equal to negative of potential gradient electric field किसके बराबर है जी negative of potential gradient gradient मैंने आपको पहले पिछला बताया हुआ है change in one variable with respect to another variable किसी एक variable में change किसी दूसरे variable के लिहाज से E is equal to minus delta V by delta R put delta V from equation one क्या बनेगा जी आपके पास delta V की जगह क्या आ जाएगा V2 minus V1 over delta ठीक है जी बल्कि इसको हम डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर एज डेल्टा आर इज डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स सो डेल्टा आर इज रिप्लेस्ड बाय डी डेल्टा आर किससे रिप्लेस हो जाएगा डी से और ये माइनस माइनस अगर कॉमन आ रहा है तो ये v1 माइनस है तो ये माइनस से मिलके क्या हो जाएगा प्लस v1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस v2 और डेल्टा r को किससे रिप्लेस कर दिया है t से ठीक है जी v
V1 माइनस V2, ये भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल में से पोटेंशियल माइनस करेंगे तो आपके पास क्या रिलेशन आ जाएगा, E इज इक्वल टू V बाय डी। E किसके बराबर हो जाएगा, V बाय डी। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, E इज इक्वल टू माइनस वी बाय, E इज इक्वल टू V बाय डी। ये वही आपके पास इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी एक वेरिएबल में चेंज किसी दूसरे वेरिएबल के लिहाज से उसको क्या कहा जाता है, ग्रेडियंट कहा जाता है। अच्छा, अब ये जो प्लेट्स, इन प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, कहते हैं जो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है और प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड किस पे करता है, देख लो चार्जेस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ चार्जेस, यानी चार्जेस जितने ज्यादा होंगे प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा हो जाएगा, चार्जेस जितने कम होंगे प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस उतना कम होगा। ठीक, तो यहां एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होगी, सो क्या चीज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी, कि चार्ज पर यूनिट, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी आपके पास, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया से क्या मुराद है, चार्ज पर यूनिट एरिया से मुराद ये है, पर यूनिट एरिया मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर 10 मीटर स्केल एरिया तो यूनिट एरिया क्या होगा, 1 मीटर स्केल। अगर 100 मीटर स्केल एरिया तो यूनिट एरिया क्या होगा, 1 मीटर स्केल। अगर 1000 मीटर स्केल एरिया तो यूनिट एरिया क्या होगा, 1 मीटर स्केल। यानी हर गिवन एरिया की हर 1 मीटर स्केल पे जितना चार्ज होगा उसको क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका तरीका कार ने बस कहता है जी 100 कूलम चार्ज है, कितना एरिया है 10 मीटर स्केल, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, 100/10 यानी 10 कूलम पर मीटर स्केल, 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी हर 1 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज है, 10 कूलम। तो कोई भी गिवन एरिया उसके 1 मीटर स्क्वायर पे जितना चार्ज होगा उसको क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज। ठीक है, ये सरफेस चार्ज को सुधार करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए, दिस इज इक्वेशन 3। ये कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन 3 आ जाएगी। As both plates are, अगर आप गौर करें तो दोनों प्लेट्स अपोजिट चार्ज प्लेट्स हैं। As both plates are oppositely charged parallel plates, कहता दोनों प्लेट्स क्या हैं, अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं। यानी दोनों प्लेट्स क्या चीज हैं, अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं। सो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, so according to Gauss's law, electric intensity between two oppositely charged parallel plates is, क्या होगी जी, E is equal to क्या था, sigma over epsilon naught हमने पढ़ा था, दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, वो क्या थी, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, लिहाजा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। हम किससे लेंगे, क्वेश्चन
ये आपके पास आ गई थी इक्वेशन 4। कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 4, देखिए जी 2 की लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, 4 की लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, तो कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 4, कहता है इक्वेशन 2 और 4 की कंपेयर कर लेते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो v किसके बराबर हो जाएगा, qd ओवर यहां से आपके पास v की वैल्यू निकलेगी, qd इज इक्वल टू a ओवर एप्सिलॉन। ठीक है जी, अब यहां पे अगर आप गौर करें तो यहां से आपके पास v निकल आया qd ओवर a एप्सिलॉन। अगर मैं यहां से q निकालूं, अगर मैं यहां से q की वैल्यू निकालूं, वो क्या बनेगी, इसको भी ले लेते हैं, ये भी क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस इज इक्वेशन 5। अगर मैं यहां से a एप्सिलॉन r v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, qd a एप्सिलॉन r, इधर a एप्सिलॉन r v, इधर क्या हो जाएगा आपके पास qd, और यहां अगर q हो तो क्या बनेगा जी, a एप्सिलॉन r v / This is equation 6. If vacuum is medium between प्लेट्स, कहता अगर आपका वैक्यूम मीडियम हो किसके दरमियान, प्लेट्स के दरमियान, देन क्यू किसके बराबर हो जाएगा, सी वैक्यूम इनटू वी, क्यू इज़ इक्वल टू सी, वही क्वेश्चन, अगर प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम मीडियम हो प्लेट्स के दरमियान तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा, सी वैक्यूम इनटू वी, और यहां से सी वैक्यूम किसके बराबर आ जाएगा, क्यू बाय वी, पुट क्यू फ्रॉम इक्वेशन 6, कहता है आप क्यों पुट करें किससे, इक्वेशन 6 से, तो c वैक्यूम q की जगह क्या आ जाएगा, a एप्सिलॉन r v डिवाइडेड बाय t, और नीचे आपके पास क्या होगा v, d v, ये d आपका नीचे आ जाएगा, v v से कैंसिल, c वैक्यूम किसके बराबर हो जाएगा, a एप्सिलॉन r / ठीक है जी। सी वैक्यूम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन आर बाय डी। अच्छा इसमें एक चीज ये ध्यान में रखें कि ये अमूमन आपके ध्यान में आएगा कि ये डी है, ये वी है, इसको ऊपर जाना चाहिए था, नहीं, ये दो मुख्तलिफ चीजें होती है, मसलन आपके पास दो किस्म की चीजें होती है डीवीएन में, ए बाय बी डिवाइडेड बाय सी, इसका क्या मतलब है, a by b divided by c, a by b divided by c, ये एक चीज है, इसका क्या होगा, a by b डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में चेंज होगा, तो डिवीजन जब मल्टीप्लीकेशन में चेंज होगा तो डिवीजन की बाद वाली चीज का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है जी, दूसरी चीज क्या होती है, a डिवाइडेड बाय b बाय c, ये अलग चीज है, इधर देखिए, इधर a एप्सिलॉन नॉट v बाय d डिवाइडेड बाय v था, ये केस था, ठीक है ना, इसका मतलब है ये ऊपर वाला, इधर ये v से आपका यहां पे चला जाएगा, और अगर यू आ जाए a बाय a डिवाइडेड बाय b बाय c, इसका क्या मतलब है, a डिवाइडेड बाय b बाय c, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, सी बन, ये दो इस चीज को ध्यान में रखना डिवीजन में, ठीक है ना, सी वैक्यूम आपके पास ये आ गया, दिस इज इक्वेशन 7। इफ डायरेक्ट्रिक ऑफ
permittivity, epsilon r is placed between plates, then capacitance increases epsilon r times. याद रखना कि जब किसी डायलैक्ट्रिक या डायलैक्ट्रिक को क्या कहेंगे, इंसुलेटर जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, उसे अगर हम रखें इसके दरमियान डायलैक्ट्रिक की प्लेट्स के दरमियान, तो याद रखना जितनी उस डायलैक्ट्रिक की परमिटिविटी होगी कैपेसिटेंस उतने टाइम बढ़ जाएगी। अगर उस डायलैक्ट्रिक की परमिटिविटी 10 है तो उस डायलैक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर की वो 10 गुना बढ़ जाएगी। अगर उस डायलैक्ट्रिक की परमिटिविटी 20 है तो कैपेसिटेंस 20 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर उस डायलैक्ट्रिक की परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है तो उस डायलैक्ट्रिक के रखने से कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाएगी। किससे? जो वैक्यूम वाली कैपेसिटेंस थी उससे, यानी जो वैक्यूम वाली कैपेसिटेंस है, डायलैक्ट्रिक रखने से जो कैपेसिटेंस बढ़ेगी वो कितने टाइम बढ़ेगी, जितनी डायलैक्ट्रिक की परमिटिविटी होगी। और किससे बढ़ेगी? वैक्यूम वाली कैपेसिटेंस से। जब वैक्यूम था प्लेट्स के दरमियान उस वक्त की कैपेसिटेंस से डायलैक्ट्रिक के रखने से जो कैपेसिटेंस बढ़ेगी वो कितने टाइम्स बढ़ेगी, जितनी उस डायलैक्ट्रिक की परमिटिविटी होगी। तो याद रखना डायलैक्ट्रिक के रखने से कैपेसिटेंस कैपेसिटर की बढ़ जाएगी, और कितनी बढ़ेगी, जितनी उस डायलैक्ट्रिक की परमिटिविटी होगी, ठीक है। और बढ़ेगी किससे? वैक्यूम के टाइम जो कैपेसिटेंस थी उससे। और कितनी बढ़ेगी? जितनी डायलैक्ट्रिक की परमिटिविटी है, 10 है तो 10 करो, 20 है तो 20 करो, एप्सिलॉन आर है तो एप्सिलॉन आर टाइम्स। अब सी मीडियम क्या परमिटिविटी है? एप्सिलॉन आर है, लिहाजा एप्सिलॉन आर टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। किससे? वैक्यूम वाले टाइम की कैपेसिटेंस, वैक्यूम वाले टाइम की कैपेसिटेंस। ए एप्सिलॉन आर बाय डी, मैंने क्या बताया, डायलैक्ट्रिक के रखने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी? जितनी उस डायलैक्ट्रिक की परमिटिविटी, 10 है तो 10, 20 है तो 20, एप्सिलॉन आर तो एप्सिलॉन आर। और बढ़ेगी किससे? वैक्यूम वाली कैपेसिटेंस। ये आपके पास मीडियम वाली कैपेसिटेंस, दिस इज इक्वेशन 8। अब जी डिवाइडिंग इक्वेशन 8 बाय 7, इक्वेट बाय 7 हो, ये क्या है? सी मीडियम और सी वैल्यू, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाय डी डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड होगी, राइट हैंड साइड पे डिवाइड होगी। राइट हैंड साइड इसकी क्या है? ए एप्सिलॉन आर बाय डी डिवाइडेड बाय, इसकी राइट हैंड साइड क्या है? ए एप्सिलॉन आर बाय डी। मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ए एप्सिलॉन आर कट गया, डी डी से कट गया, सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम क्या बना जी? एप्सिलॉन आर। अब आपको मैंने क्या बताया कि किसके टाइम कैपेसिटेंस रखने से कैपेसिटेंस किसके टाइम बढ़ती है? जब आपको डायरेक्टेड मीडियम रखते हैं तब कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। किसके मुकाबले में? वैक्यूम के टाइम जो कैपेसिटेंस थी। इसका मतलब है सी मीडियम जो होगा, सी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी वैक्यूम, यानी डायरेक्ट्रिक के रखने के टाइम जो कैपेसिटेंस है वो वैक्यूम के टाइम वाली कैपेसिटेंस से ज्यादा है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक के रखने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। अगर मैं दोनों तरफ सी वैक्यूम से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा जी? सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम इज ग्रेटर देन 1। सही बात है, जब ऊपर रकम बड़ी हो नीचे छोटी हो तो जवाब हमेशा एक से बड़ा होता है। जब ऊपर बड़ी रकम हो नीचे छोटी है, ऊपर 4 है नीचे 2 है तो 2 जवाब आएगा। जब ऊपर रकम बड़ी हो नीचे छोटी हो तो आंसर हमेशा एक से बड़ा होता है। फ्रॉम इक्वेशन 9, सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम किसके बराबर है? एप्सिलॉन आर के। एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1, यानी इसको एप्सिलॉन आर को क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी या डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट या डायलैक्ट्रिक कोफिशिएंट। यानी इसका मतलब क्या हुआ? ये डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट या डायलैक्ट्रिक
तो फिर हमेशा वन से बड़ा। तो ये आज का लेक्चर था नहीं हमारा, इंशाल्लाह नेक्स्ट।